नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेन्स वियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। बिल्ड टू एम्पावर यू एंड स्प्रेड एजुकेशन टू ऑल, कनेक्टिंग कैंपस, दिघी वेस्ट, रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने दरभंगा। जयंती पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। पिछले दिनों दिल्ली के किरारी में हुए भीषण अग्निकांड में लगमा गांव के मृत लोगों के परिजनों से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की मुलाकात, दोषियों को सजा की मांग। सीएम कॉलेज में एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ, सिखाए जा रहे मुकम्मल तैयारियों के गुर। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने फूंका बिहार सरकार के खिलाफ बिगुल, एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित। मानव श्रृंखला निर्माण में भागीदारी हेतु स्कूल कॉलेज के साथ गुरुवार को आयोजित होगी बैठक। और जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, चौतरफा रही क्रिसमस। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। उत्सव मनाइए हमारे संग, बिल्कुल अलग और खास अंदाज में, वह भी पूरी किफायत के साथ। होटल गंगा रेजिडेंसी रामबाग किला दरभंगा, उठाइए बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ। जनवरी 2020 से जून 2020 तक शादी विवाह सहित सभी समारोहों के लिए करिए 31 दिसंबर 2019 तक एडवांस बुकिंग और पाइए फ्लैट 50% का बम्पर डिस्काउंट ऑफर। पहले आए पहले पाएं के आधार पर। कैंपस बिहार की पहली कंपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी लाने जा रही है। हम मूवी देखते हैं तो रियलिटी का अनुभव करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग साइंटिफिक फिल्म देने जा रहे हैं। बच्चे एक बार देखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। रिमेंबर वंस एक्सपीरियंस फॉर एवर। बच्चे कार्टून देखते हैं, सारे कैरेक्टर उसके याद रखते हैं। अब बच्चे फिल्म देखेंगे, लिटिल एबीसी से लेकर हर कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए connectingcampus.com पर विजिट करें। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज़्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जींस, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आए और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। 31 दिसंबर को कनेक्टिंग कैंपस की ओर से आ रहा है लाइव प्रोग्राम बॉलीवुड सितारों के साथ। जी हाँ, सही सुना आपने, बॉलीवुड सितारों के साथ, आपके अपने चैनल न्यूज टुडे दरभंगा पर। ट्यून योर टेलीविजन। मैडोना इंग्लिश स्कूल परिवार दरभंगा की ओर से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, नए वर्ष की ढेर सारी बधाइयां। SM माइकल, डायरेक्टर, मैडोना इंग्लिश स्कूल दरभंगा। और समाचार अब विस्तार से। जयंती पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। दरभंगा के वार्ड नंबर 34 में बटे कंबल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर वार्ड नंबर 34 में बांटे गए जरूरतमंदों के बीच कंबल।
उन सभी लोगों को धन्यवाद और आभार। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन और कम्बल वितरण 100 कम्बल वितरण का आयोजन, ठंड बहुत है, सब लोगों को इच्छा है कि हमें कम्बल मिले। धीरे धीरे सब जगह सरकारी अलाव भी जलाया जा रहा है, सरकारी कम्बल वितरण भी होगा, धीरे धीरे जिन लोगों को दिक्कत है उन लोग की व्यवस्था होगी। आज सदे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती समारोह है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, जब तक गरीबों का विकास नहीं होगा, वंचित का विकास नहीं होगा, जब तक समाज में जो वंचित पिछड़े दलित शोषित वर्ग हैं उनका विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। महाकवि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। हम क्या कहता है, उनमें बहुत श्रद्धा रखते हैं, उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, उनको बहुत याद करते हैं। उनका जीवन ही ऐसा था जो हम कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवनी पर चर्चा करके हम आने वाली पीढ़ी को भी उनके बारे में बताना चाहते हैं, कैसे पुरुष महापुरुष बन जाता है और कैसे वो राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च निशावर कर देता है। यही उद्देश्य हमारा है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो, विशेषज्ञों का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से हमने कम्बल वितरण की यहाँ पे व्यवस्था करी है और हम कम्बल वितरण कर रहे हैं। विद्यापति सेवा संस्थान ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद, कार्यक्रम का किया आयोजन, दी श्रद्धांजलि। विद्यापति सेवा संस्थान ने समारोह पूर्वक मनाया पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 96वां जन्म दिवस। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका परिचय देने में किसी विशेष पहचान की आवश्यकता नहीं होती, न ही उन्हें शब्दों में बांधा जा सकता है। वे भाषा, साहित्य, स्वर एवं कविता से परे होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व उन्हीं में से एक था। यह बातें चेतना समिति पटना के अध्यक्ष इंजीनियर विवेकानंद झा ने बुधवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 96वें जन्मदिवस के अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित जन्मदिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम का किया आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर रामबाग हसन चौक दुर्गा मंदिर लालबाग में जिलाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा तनवीर हसन की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जरूरतमंद बच्चों के बीच मिठाइयां, कॉपी, पेंसिल और टॉफी का वितरण किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस अवसर पर याद करते हुए अधिवक्ता तनवीर हसन ने कहा कि अटल जी के कार्यकाल में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उनकी हज सब्सिडी से लेकर शिक्षा में पूरा ध्यान दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर राजघाट पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली में स्मृति स्थल स्थित उनकी समाधि सदैव अटल राजघाट पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया, उन्हें नमन किया। श्री ठाकुर ने उन्हें याद करते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महान राजनीतिज्ञ व महान व्यक्तित्व का मुझे दरभंगा के राज मैदान में मंच संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि अटल जी को मिथिला के विकास की गहरी चिंता थी। उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कोसी महासेतु व 4 लेन NH-57 को मंजूरी देकर 2 भागों में विभाजित मिथिला को एक कर दिया था तथा मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाते हुए मिथिला का मान सम्मान बढ़ाया था। पिछले दिनों दिल्ली के किराड़ी में हुए भीषण अग्निकांड में लगमा गांव के मृत लोगों के परिजनों से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की मुलाकात, दोषियों को सजा की मांग। पिछले दिनों दिल्ली के किराड़ी में हुए भीषण अग्निकांड में दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लगमा गांव के एक ही परिवार के कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किराड़ी पहुंचकर शोकाकुल परिवार व उनके परिजनों से मिलकर उनका ढांढस बढ़ाया।
श्री ठाकुर ने सीधा विदारक घटना पर शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करने तथा घायलों को शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि इस घटना में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सीएम कॉलेज दरभंगा में एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ, सिखाए जा रहे मुकम्मल तैयारियों के गुर। सीएम कॉलेज में एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ। एनसीसी सीओ कर्नल वी के कालरा ने किया शिविर का उद्घाटन। सीएम कॉलेज दरभंगा में एनसीसी का 15वां संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 2019 का 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा के तत्वावधान में विधिवत उद्घाटन कॉलेज परिसर में एनसीसी सीओ कर्नल वी के कालरा ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य ए, बी और सी सर्टिफिकेट की परीक्षाओं में होने वाली समस्याओं को दूर कर मुकम्मल तैयारी के गुर सिखाना है। उन्होंने बताया कि शिविर में हथियार प्रशिक्षण, मानचित्र पढ़ना, युद्ध कौशल तथा युद्ध के मैदान में संकेतों के इस्तेमाल के साथ ही बाधा दौड़, ड्रिल तथा कई प्रकार के अन्य प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility, all the vehicles are enabled with GPS, rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance, regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development, no readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774. ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जयंती पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। पिछले दिनों दिल्ली के किरारी में हुए भीषण अग्निकांड में लगमा गांव के मृत लोगों के परिजनों से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की मुलाकात, दोषियों को सजा की मांग। सीएम कॉलेज में एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ, सिखाए जा रहे मुकम्मल तैयारियों के गुर। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने फूंका बिहार सरकार के खिलाफ बिगुल, एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित। मानव श्रृंखला निर्माण में भागीदारी हेतु स्कूल कॉलेज के साथ गुरुवार को आयोजित होगी बैठक। और जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, चौतरफा रही क्रिसमस। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने फूंका बिहार सरकार के खिलाफ बिगुल, एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित। एमएलसी चुनाव में जदयू भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार को हराएंगे और 75,000 स्कूलों में करेंगे तालाबंदी, यह कहा प्रदेश अध्यक्ष ने। नियोजित शिक्षकों ने समान वेतनमान सेवा शर्त की मांग को लेकर किया सड़क से सदन तक आक्रोशपूर्ण संघर्ष करने का ऐलान। नीतीश सरकार के खिलाफ सूबे के 28 शिक्षक संगठन हो चुके हैं एकजुट। संघ के जिला सम्मेलन में जुटे 12 जिलों के शिक्षक प्रतिनिधि। सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहरियासराय में बुधवार को बिहार पंचायत नगर प्रारंभ शिक्षक संघ के बैनर तले जिला महासचिव रफीउद्दीन के नेतृत्व में नियोजित शिक्षकों का एक दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक संवाद सह प्रतिनिधि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि सह प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह, प्रदेश महासचिव रामचंद्र राय, प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह, सचिव विपिन बिहारी भारती, कोषाध्यक्ष प्रशांत कुमार, मीडिया प्रभारी एजाजुल हक, हाईकोर्ट पटना के अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार, डीपीओ स्थापना रामाश्रय, डीपीओ समग्र शिक्षा संजय कुमार देव कन्हैया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
हमारा 16 साल से नीतीश सरकार शोषण कर रही है। हम लोग पूरे बिहार के सभी 800 जिला में सम्मेलन के माध्यम से 4 लाख शिक्षक को बोलबंद कर रहे हैं। अभी हम लोग आज इस सम्मेलन में निर्णय लेने ले लिए है कि अभी जब हमारी मांग शीघ्र अगर पूरी नहीं हुई, मतलब अनियोजित शिक्षकों के पुराने शिक्षकों के जैसा वेतनमान सेवा सत्र पेंशन नहीं दिया, तो हम जो MLC का चुनाव मार्च में होने जा रहा है उसमें जदयू भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार को हराएंगे और अपनी वोट की ताकत को दिखाएंगे। हमारी मांग अगर फिर भी नहीं मानी गई तो 75,000 स्कूलों में ताला बंद करके लाखों शिक्षक हड़ताल पर चले जाएंगे। आज यह सम्मेलन से यहाँ से घोषणा हो रहा है। मानव श्रृंखला निर्माण में भागीदारी हेतु स्कूल कॉलेजों के साथ गुरुवार को आयोजित होगी बैठक। मानव श्रृंखला निर्माण में भागीदारी हेतु स्कूल कॉलेजों के साथ बैठक गुरुवार को। जल जीवन हरियाली अभियान के प्रति व्यापक जन जागरूकता पैदा करने हेतु नव वर्ष में 19 जनवरी 2020 को आयोजित राज्यव्यापी विशाल मानव श्रृंखला निर्माण को सफल बनाने के लिए हर वर्ग और तबके से सहयोग लेने की कोशिश की जा रही है। दरभंगा जिला क्षेत्र में 468 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनेगी। इसी उद्देश्य से कल 26 दिसंबर को दरभंगा नगर क्षेत्र में अवस्थित सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य और प्राचार्य की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक नगर निगम दरभंगा के राजेंद्र भवन नगर भवन में 11:30 बजे पूर्वाह्न होगी। बैठक को जिलाधिकारी संबोधित करेंगे। इस बैठक में नगर आयुक्त एवं अन्य वरीय पदाधिकारी भी भाग लेंगे। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, चौतरफा रहे क्रिसमस की धूम, सजे रहे गिरजाघर। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, क्रिसमस की चौतरफा रही धूम, आकर्षक ढंग से सजे गिरजाघर में पहुंचकर लोगों ने की प्रार्थना, सबों के कल्याण की प्रभु यीशु से मांगी दुआ। इस जीवन संघर्ष में बल प्रदान करे, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। ईश्वर ने अपने पुत्र के शरीर धारण से विश्व का अंधकार छिन भिन कर दिया है और उनके प्रताप में जल से इस पावन रात्रि को आने वाले 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के सिपाही हर बूथ पर रहेंगे मौजूद, यह कहा जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनय चौधरी ने। आने वाले 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के सिपाही हर बूथ पर रहेंगे। उक्त बातें जदयू के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार चौधरी उर्फ अजय चौधरी ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा के खगड़िया धर्मशाला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता नीतीश कुमार ने बिहार में बदलाव लाकर सिद्ध कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति होगी तो असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मिस्टर टोला कार्यक्रम में पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम हुआ आयोजित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मिस्टर टोला कार्यालय पर पोस्टर विमोचन किया गया। आगामी 61वां प्रांतीय अधिवेशन 26 से 29 दिसंबर 2019 LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है। बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य पिंटू भंडारी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक साल की तरह इस बार भी प्रांतीय अधिवेशन कर रहा है। इस अधिवेशन में दरभंगा से लगभग 150 छात्र छात्राएं एवं शिक्षक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।
वहीं पोस्टर विमोचन में विभाग संगठन मंत्री हेमंत मिश्रा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मणिकांत ठाकुर, नगर सह मंत्री राकेश कुमार सोनकर, चंद्र नंद महाराज, प्रद्युम्न झा, अमित यादव समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 61वां प्रांतीय अधिवेशन जो LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में 2019-20 का तय हुआ है, दरभंगा से पूरे दरभंगा जिला के 18 प्रखंड से लगभग 150 कार्यकर्ता, जिसमें 50 छात्रा, 10 शिक्षक और 90 छात्र प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जो 26, 27, 28, 29 दिसंबर तय हुआ। वहाँ पर विभिन्न तरह के चर्चा किए जाएंगे, शैक्षणिक, सामाजिक एवं राष्ट्रहित में जो कार्य हो रहे हैं इस पे वहाँ पर चर्चा विमर्श किए जाएंगे। आज 61वां प्रदेश अधिवेशन के तहत पूर्व संध्या यहाँ दरभंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पोस्टर विमोचन किया जा रहा है। चूंकि कल से हम लोग का अधिवेशन का शुरुआत है, तो दरभंगा से लगभग 100-150 लगभग लोग जा रहे हैं अधिवेशन में, जिसमें 10 प्रोफेसर और 50 छात्राएं और 100 छात्र उसमें सम्मिलित हैं। और इसके तहत वहाँ हम लोग को जैसे सामाजिक सुधार, राष्ट्र की चिंता, यानी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम यानी चलने जा रहा है, इसलिए हम सभी छात्र उत्साहित हैं यहाँ अधिवेशन में जाने को, और हम लोग को वहाँ जाके कुछ ना कुछ सीख राष्ट्र के प्रति कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और राष्ट्र के हित के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इसी के तहत हम लोग अभी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं वहाँ जाने को। ये जब तक के समाचार बिताएंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जयंती पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। पिछले दिनों दिल्ली के किरारी में हुए भीषण अग्निकांड में लगमा गांव के मृत लोगों के परिजनों से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की मुलाकात, दोषियों को सजा की मांग। सीएम कॉलेज में NCC का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ, सिखाए जा रहे मुकम्मल तैयारियों के गुर। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने फूंका बिहार सरकार के खिलाफ बिगुल, एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित। मानव श्रृंखला निर्माण में भागीदारी हेतु स्कूल कॉलेज के साथ गुरुवार को आयोजित होगी बैठक। और जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, चौतरफा रही क्रिसमस। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।